Hello friends, welcome to channel Advance Your Tech. आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और आपका कंप्यूटर स्टार्ट ना होके लॉगिन ना होके ब्लैक स्क्रीन पे बार बार इस तरह का मैसेज आ रहा हो तो क्या करना चाहिए. डिस्क बूट फेल्योर, इंसर्ट सिस्टम डिस्क एंड प्रेस एंटर. जब भी आप एंटर करते हैं तो ये मैसेज आपको बार बार शो करता है. तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. इस प्रॉब्लम्स के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे बायोस में आपका सेटिंग अगर रॉन्ग हो तब भी ये मैसेज बार बार शो कर सकता है. दूसरा, अगर आपके हार्ड डिस्क में साटा पाटा या फिर पावर केबल अनप्लग्ड हो गया हो तो भी ये मैसेज बार बार शो कर सकता है. तीसरा, अगर आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया हो या फिर क्रैश होने जा रहा हो, डैमेज होने जा रहा हो, तब भी ये मैसेज शो कर सकता है. चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि इस कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है. सबसे पहले कंप्यूटर को यदि स्टार्ट करें, कंट्रोल अल्ट डिलीट प्रेस करके आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं. इसके बाद आप कंटिन्यू डिल प्रेस करते रहें, डिलीट प्रेस करते रहें, या फिर F2 या फिर F10, ये फंक्शंस की है जिसके ज़रिए आप बायोस को एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पे डिल है, डिल के ज़रिए मैंने बायोस को एक्सेस किया. अब उसके बाद बायोस में जाएं, एडवांस बायोस फीचर्स में चले जाएं, एडवांस बायोस फीचर्स. इसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट बूट डिवाइस है वो हार्ड डिस्क है या नहीं. यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क है, इट्स मींस यहाँ सही है, ये सेटिंग्स सही है. उसके बाद जाए स्टैंडर्ड सीमोस फीचर्स में. यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आईडी का चैनल से 0011, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चैनल में नन 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 लिखा हुआ है, मींस शो नहीं कर रहा है. तो इसके लिए आप अपना कंप्यूटर को ओपन करें, कंप्यूटर ओपन करके देखें कि आपका हार्ड डिस्क सही से प्लग है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे हर जगह 000 शो कर रहा था. हार्ड डिस्क ना तो हार्ड डिस्क शो कर रहा था, ना ही कोई और डीवीडी या फिर सीडी शो कर रहा था. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं साटा केबल को फिर से अनप्लग करके प्लग कर रहा हूँ ताकि उस बायोस में वो फंक्शंस शो करें. देखिए मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया, यहाँ पे हर एक वायर को चेक कर लिया. उसके बाद आप कंप्यूटर को स्टार्ट करें, फिर से बायोस में जाएं, कंप्यूटर को स्टार्ट करें, फिर से बायोस में जाएं, जैसा डिल प्लेस डिलीट प्रेस करते हुए जाते हैं. यह अब इसके बाद स्टैंडर्ड सीमोस फीचर्स में चले जाएं. देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडीई चैनल 0 मास्टर्स में ST31 कोड दिया हुआ, ये है हार्ड डिस्क. अब यहाँ पे प्रेस एंटर करें, डिडक्ट हार्ड डिस्क. देखिए यहाँ पे 160 GB का हार्ड डिस्क शो कर रहा है और उसके बाद आईडीई चैनल, यहाँ पे डीवीडी रैम शो कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पे ही प्रॉब्लम था. अब इसके बाद सीमोस को सेव कर लें F10 से और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करें. मैंने बायोस सेटिंग्स को सही सेट कर दिया है. देखिए अब यहाँ पे वो मैसेज शो नहीं करेगा, आपका विंडोज़ लॉगिन हो जाएगा, स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली. तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को सही कर सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, यहाँ प्रॉब्लम ये था कि हार्ड डिस्क का केबल अनप्लग्ड था. आप उस केबल को फिर से प्लग करें, चेक करें सही तरीके से और बायोस में सेटिंग्स को फिर से चेक कर लें, सेव करें और फिर कंप्यूटर स्टार्ट करें. देखिए ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.